टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बार बार पिच को लेकर रोना रोने वाले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने सुर बदल लिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने सीरीज जीतने पर टीम इंडिया की तारीफ की, लेकिन इसी के बीच उन्होंने टीम इंडिया के सामने एक चुनौती रख दी। दरअसल आपको बता दें कि वॉन ने ट्वीट किया है कि अगर टीम इंडिया इस दौर की सर्वश्रेष्ठ टीम है तो इंग्लैंड को उसके घर में हरा कर बताएं। उनका मानना है कि इंग्लैंड में स्विंग होती है और गेंदबाजी के आगे जीतकर ही भारत टेस्ट में बेस्ट हो सकता है। बता दें आपको कि वॉन ने आगे लिखा है कि भारतीय टीम अब तक काफी बेहतर रही है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पिछड़ने के बावजूद भारत ने लगातार 3 टेस्ट जीते। अगर वो इंग्लैंड में भी ऐसा करने में कायम रहती है तो बिना किसी संदेह के टीम इंडिया इस दौर की सबसे बेहतर टीम मानी जाएगी। बता दें आपको कि उन्हें इंग्लैंड में स्विंग गेंदबाजी का सामना करना होगा। बता दें आपको कि भारतीय टीम का इंग्लैंड में पिछले 2 दशक का रिकॉर्ड देखें तो वॉन की चुनौती से पार पाना टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होगा। बता दें कि भारत ने पिछले 20 सालों में इंग्लैंड के घर में 5 टेस्ट सीरीज खेली है, इसमें से सिर्फ 1 में ही उसे जीत मिली है, बाकी 3 में हार और 1 मैच ड्रॉ रहा है। बता दें कि भारत ने पिछली बार 2007 में इंग्लैंड को उसी के घर में 3 टेस्ट की सीरीज में 1-0 से हराया था। दिलचस्प बात यह है कि तब माइकल वॉन ही इंग्लैंड के कप्तान थे, जबकि भारतीय टीम की कमान राहुल द्रविड के हाथों में थी। उस समय भारत ने सीरीज का पहला टेस्ट मैच और 3रा टेस्ट ड्रॉ कराया था, जबकि दूसरे में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था। इससे पहले 2002 में भी भारत ने इंग्लैंड दौरे पर 4 टेस्ट की सीरीज में 1-1 से ड्रॉ कराई थी। तब सौरव गांगुली टीम इंडिया के कप्तान थे। ऐसे में आपको बता दें कि टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 12 मार्च से T20 सीरीज खेली जानी है और ये देखना दिलचस्प होगा टीम इंडिया और इंग्लैंड का प्रदर्शन वहां पर कैसा रहता है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।